तो देखो थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप ये सोचेंगे कि यार क्या थ्योरम्स करवा रहे हैं, पता नहीं मैथ्स की बड़ी बड़ी थ्योरम आने वाली हैं और पता नहीं क्या आएगा। एक्चुअल में थ्योरम की जगह मैं इसको बोलता हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्यों? देखो हम यहाँ पर एक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग फिगर्स का निकाला। तो जैसे हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, हमने देखा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है इज एम आर स्क्वायर। तो मैंने किसी से पूछा कि कैसे निकाला, वो कहता जी मैंने तो इंटीग्रेशन से निकाला कि ये रिंग किसकी बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स की बनी हुई है। तो पहले मैंने डी आई निकाला, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सभी छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिलाया तो मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, तो मेरे को इंटीग्रेशन करनी पड़ी। सही है, बिल्कुल सही है। अब मैंने उस स्टूडेंट को कहा एक काम कर, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल अगर एक्सिस यहाँ से पास करता है। तो वो कहता है यार कैसे निकालूं? तो मैंने कहा जैसे पहले निकाला था, तो क्या करनी पड़ेगी, फिर से इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम क्या है, अब हर एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से क्या हो गया, चेंज, एक्सिस ही चेंज हो गया। जब एक्सिस चेंज हो गया तो मोमेंट इनर्शिया की वैल्यूज भी चेंज होगी हर एलिमेंट की, तो आई का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो आई की वैल्यू फिगर पे तो डिपेंड करती करती है, एक्सिस और रोटेशन पे भी डिपेंड करती है। ये भी बात समझ में आ रही है। तो एक्सिस मैंने चेंज किया तो आई की वैल्यू जो है वो मुझे इंटीग्रेशन से सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो कैसे से स्टूडेंट ने कर दी कि चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने ये वैल्यू सॉल्व की मैंने कहा एक काम कर एक्सिस ये ले, अब आंसर क्या होगा। अब देखो ना क्या हुआ, पहले मैंने एक्सिस ये दे दिया उसे, फिर मैंने एक्सिस क्या दिया ये दे दिया उसे, अब मैंने एक्सिस, अब वो कह रहा है फिर से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ये तो बहुत लंबा काम है यार, हम तो पहले इंटीग्रेशन अवॉइड कर रहे हैं, ये दूसरी तीसरी की बात कर रहे हैं। और ऐसी हर फिगर का जब जब एक्सिस चेंज होगा तो हर का आई भी चेंज होगा, तो मैं तो सारा टाइम इंटीग्रेशन ही करता रह जाऊंगा। मैं क्वेश्चन कब करूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टायर कब रोल करूंगा, जैसे मेरी सेम प्रॉब्लम है वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो इसी में फंसा रहूंगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट देने वाला हूँ, या जिसने मोमेंट इनर्शिया बनाया वो आपको एक शॉर्टकट देने वाला है कि आप इंटीग्रेशन ना करें, आपको एक सेकंड में आंसर पता लगेगा। अगर मैंने एक्सिस भी चेंज किया तो नए एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया बिना पेन को हाथ लगाए कैसे निकालना है, ये आपको दो थ्योरम बता देंगे। तो अच्छी बात है, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, ये तो शॉर्टकट्स हो गए ना। तो हम ये शॉर्टकट्स करने वाले हैं कि कैसे एक्सिस चेंज करने से आई की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है? तो फिजिक्स में हम दो किस्म की थ्योरम्स करने वाले हैं। ये जो थ्योरम है वो एक नहीं है, वो दो हैं। पहली थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पहली थ्योरम है, और दूसरी थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आप नोट करते जाएं प्लीज अपनी कॉपी में, कहीं पर भी फॉर्मूले वाली कॉपी मत नोट करना, आप दूसरी कॉपी में नोट कर लें। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। अब क्या है ये थ्योरम्स, थ्योरम वर्ड ना थोड़ा भारी है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही आने वाला है, शॉर्टकट अच्छा लगता है, हल्का है, शॉर्टकट आने वाला है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ पक्की है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में कहीं ना कहीं एक्सिस परपेंडिकुलर होंगे और पैरेलल एक्सिस में एक्सिस पैरेलल होंगे। क्या है ये थ्योरम्स, एक बार इसको लगा के दिखाता हूँ, फिर इसका प्रूफ एंड में करेंगे। नॉर्मली किताबें पहले प्रूफ करवाती हैं और एप्लीकेशन बाद में करवाती हैं, मैं एप्लीकेशन पहले करवा रहा हूँ और थ्योरम का प्रूफ बाद में करवाऊँगा, ठीक। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं अभी कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस है क्या।